और जितनी बड़ी तैयारी मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ और एक दंगा सबूत है कि खवातीन पाकिस्तान की तरक्की और मुस्लिम लीग नून की तरक्की इन खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। हमेशा खवातीन ने मुस्लिम लीग नून को शेर में सबको ज्यादा टप्पे लाए हैं और सबको ज्यादा कामयाब कराए हैं। और आज भी आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब जब 99 के अंदर उनकी हुकूमत को गिराया गया उससे पहले एटम बम चला चुके थे, पाकिस्तान की मोटर रेल बना चुके थे, पाकिस्तान का गरीब तरक्की कर रहा था। लेकिन सिला क्या मिला? सिला ये मिला के चुप के मुल्क को बाहर फेंक दिया। और अब फिर 2013 जिन्हों में लड़ाई ना पाकिस्तान और खासतौर
और फिर तुहानू पता है जो किसी घर च हो किसी मुल्क च हो जो तवीजा कंडिया के उत्ते चीज चलेगी उत्ते बरकत नहीं आ सकती। और पाकिस्तान चो 2018 के बाद ऐसी बरकत उठी कि कोई पाकिस्तान का शहरी हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो मिडिल क्लास हो, कोई बंदा सुकून की जिंदगी नहीं जी सका। और इस दौर के बाद दौर में उनको जेल के अंदर जहर देने की कोशिश की गई और जहर देने की कोशिश के बाद उनकी हालत इतनी खराब हुई कि खुद इमरान खान को और उसकी हुकूमत को उन्हें बाहर भिजवाना पड़ा कि मियां नवाज शरीफ साहब की हालत बहुत नाजुक है। मियां साहब ने सारे सियासी इंतकाम अपनी बेटी के साथ बहुत हौसले से बर्दाश्त किए। कभी किसी मियां साहब को बाल्टी पा के अदालत जाते देखा सी? कभी किसी मरियम नवाज शरीफ को रोंदिया देखा? कभी किसी मरियम को मियां साहब को किसी को तरले पाते देखा? मैंने छोड़ दियो, यह फर्क है एक लीडर और एक गिद्दड़ के बीच। साडा लीडर इंशाल्लाह ताला इज्जत नाल वकार नाल ओ सानू पाकिस्तान अपने आस्ते भी आ रहा। यकीन मानो तीन बारी वजीर आजम रह चुके ने, उन्होंने सारा कुछ देख लिया है। हेलो 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 हेलो
तो मियां साहब हमें वो उम्मीद और खुशहाली देने आ रहे हैं जो आपका मेरा मेरे बच्चों का हक है। मियां साहब को हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें मियां साहब की जरूरत है, क्योंकि हमने हमेशा मुस्लिम लीग नून के तीनों दौर निकाल के देखे। आप इस नतीजे पे पहुंचे कि मेरी गल बेशक ना माने, आप ये बात अपने दिल से पूछ के बताएं। जब जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आया है, महंगाई में कमी होती है, गुर्बत में कमी होती है, रोजगार ज्यादा मिलता है, खुशहाली होती है, और अब जब ये लुटा पुटा पाकिस्तान और मियां नवाज शरीफ को हमेशा लुटा पुटा पाकिस्तान देते हैं। आपको वो वक्त याद होगा 2013 में बिजली नहीं होती थी, याद है ना आपको, और कहते थे कि बिजली नहीं आ सकती इतनी जल्दी पाकिस्तान में। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर सिर्फ 3 साल के अंदर आज इतनी बिजली दे दी है कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर रोज बम धमाके हुआ करते थे, याद है आपको। मियां नवाज शरीफ साहब ने दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद किया, आज मुल्क के अंदर अमन और सुकून है। अब जो पाकिस्तान के मसले हैं, जहां महंगाई में इजाफा हो गया है उस कार्टून की वजह से जो कार्टून हमारे पे मुसल्लत किया गया था, आज पाकिस्तान में जो महंगाई है सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के पास ये सलाहियत और ये हिम्मत मौजूद है। और मैं दावा नहीं कर रही, मियां साहब ने पहले भी किया था, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से दोबारा भी करके दिखाएंगे। ये महंगाई खत्म होके रहेगी। पाकिस्तान की आवाम के मुकद्दर में खुशहाली लिखी है, पाकिस्तान की आवाम की मुकद्दर में महंगाई का खात्मा लिखा है, पाकिस्तान की आवाम के मुकद्दर में उम्मीद और वो यकीन लिखा है जो 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है। मैं आप मैं आज आप सबको दावत देने आई हूँ कि आप सबको 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान आना चाहिए। आप वोट देने के लिए भी निकलती है ना, और वोट देने के लिए जब आप निकलती हैं तो आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करती हैं, वो नुमाइंदा आपके मसले हल करता है। इसी तरह उन नुमाइंदों का लीडर जो इन तमाम नुमाइंदों को ताकत देता है, जो इन तमाम नुमाइंदों के जो मसले मसाइल हैं जिसकी हुकूमत में हल होते हैं, वो लीडर आ रहा है 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान। मैं आप सबको दावा देने आई हूँ, हम सबको मीनारे पाकिस्तान इकट्ठे होना है और मियाँ साहब को ये पैगाम देना है कि मियाँ साहब हमारी खुशहाली, हमारी तरक्की और हमारे तमाम मसाइल का हल आपके पास है। हम आपको दोबारा वजीर आजम देखना चाहते हैं ताकि हमारे मसले हल हों, और मुझे उम्मीद है कि आप सब इंशाल्लाह ताला मीनारे पाकिस्तान आएंगी। और अब मैं नारे लगाऊंगी और नारों की आवाज़ बाहर जो बंदे खड़े हैं उन तक जानी चाहिए। आप ऐसे भी कहते हैं कि जितने बीबियाँ इकट्ठिया हों, जितने बीबियाँ इकट्ठिया हों उतना रौला बड़ा होता है। मैनू तो अभी रौला नजर ही नहीं आ रहा, बड़ा रौला बड़ा, मैंने कोई समझ नहीं आ रही कि अभी वजीर आजम नौशरीफ।
देखे कैमरे की आंखें सब देखती हैं और उनको पता चल जाता है अगर